हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। मोमोज किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्टीम मोमोज। मोमोज सबको पसंद आते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते भी हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लिया है कैबेज को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ मैंने गाजर लिया है, गाजर को भी कद्दूकस किया है। गार्लिक लिया है, ओनियन है, ग्रीन चिली है और मटर लिए है। मटर को मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हो। पैन में ऐड करने वाली हूँ गार्लिक। आप चाहे तो गार्लिक के साथ यहाँ पे जिंजर का भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ऐड किया है ग्रीन चिली और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाजर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, गाजर को भी मैंने पैन में ऐड किया था। उसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ मटर। मटर को मैंने मिक्सर में दरदरा ही ग्राइंड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दरदरा ही रखना है, पूरा आपको बारीक ग्राइंड नहीं करना है। और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाजर फ्राई होने के बाद इसमें ऐड करने वाली हूँ कैबेज। कैबेज का मैंने पानी नहीं निकाला है। इसे हम फ्राई करने वाले हैं 5 से 6 मिनट के लिए। ये जैसे जैसे फ्राई होगी ना, तो उसका जो पानी है ना ड्रेन होता जाएगा, तो इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कैबेज भी हमारी फ्राई हो चुके हैं। इसमें ऐड करने वाली हूँ नमक। उसके साथ ऐड करने वाली हूँ गरम मसाला। आप चाहे तो इसे ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून बटर। और बटर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बटर डालने के बाद जो हमारे मोमोज का टेस्ट है ना, बहुत अच्छा बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मोमोज का जो हमारा स्टफिंग है ना, अच्छी तरह से ड्राई हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह से हमें स्टफिंग बनाना है। हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही यूज़ करने वाले हैं। 2 कप मैदा लिया था, इसका हम एक डो बना लेंगे। तो इसमें ऐड करने वाली हूँ नमक और ऑयल और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक डो बना लेंगे। थोड़ा टाइट ही डो हमें रखना है। यहाँ पे जो हमारे मोमोज का डो है ना, वो भी रेडी हो चुका है। हम इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अभी हम मोमोज बनाएंगे। जो आटा हमने लगाया था ना, उसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी किए थे। और जो मोमोज है ना, हमें पतले ही बेलने हैं। बहुत हमें पतला रखना है, तभी अंदर से अच्छी तरह से स्टीम होगा। इसमें हम डालेंगे हमारे स्टफिंग। और जैसे हम मोदक बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड होने के बाद इसे हम थोड़ा सा घुमा लेंगे। इस तरह से आपको उसे घुमाना है, तो एक शेप में उसका बन जाएगा। एक्स्ट्रा आटा हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे मोमोज हैं ना, स्टीम होने के लिए रेडी हैं। इसी तरह से बाकी सब मोमोज भी मैं रेडी कर लूँगी।
गैस पे मैंने पानी गर्म होने के लिए कढ़ाई में रखा था। कढ़ाई में पानी गर्म हुआ है, उसके ऊपर रखी थी छन्नी और छन्नी को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हो और इसे हम स्टीम करने वाले हैं एक 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे मोमोज हैं ना अच्छी तरह से स्टीम हुए हैं, हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए रेडी हो चुके हैं और गर्मा गर्म खाने को ही ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नॉमिथ किचन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।